क्या आपको ये पता है कि हमारे देश में अभी भी ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता आना बाकी है? क्योंकि अगर देश की 1% आबादी भी ब्लड डोनेट करे तो इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार भारत के 95 लाख लोग हर साल ब्लड डोनेट करते हैं, जो जरूरत के हिसाब से करीब 30 लाख कम है। ऐसे में एक यूनिट में कितना ब्लड होता है और ब्लड डोनेशन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी लेना बेहतर होगा। शायद इस जानकारी के बाद ब्लड डोनेट करने से पहले आपको सोचना न पड़े। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। रक्त की ये मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। केवल एक यूनिट ब्लड डोनेट करके 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक यूनिट ब्लड की मात्रा लगभग 525 मिलीलीटर होती है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह के केस में ब्लड की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ऐसे मरीज जिनमें खून की भारी कमी होती है या जो ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उन्हें लगातार ब्लड की जरूरत पड़ती है। रोड एक्सीडेंट में घायल हुए मरीजों को 100 यूनिट तक ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लगभग 6 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 40 यूनिट ब्लड जरूरी होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 20 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल करीब 4 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, जबकि केवल 40 लाख यूनिट ब्लड ही उपलब्ध होता है। ऐसे में कितनी ही जानें ब्लड की कमी के कारण दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, रक्त को महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में आप भी किसी की जिंदगी बचाने का मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। उम्मीद है कि एक यूनिट में कितना ब्लड होता है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।